हेलो दोस्तों, मैं आपके फ्रेंड सुरेंदर कौर, स्वागत है आपका हमारे चैनल फाइन ओकल साइंस में। दोस्तों, हम लोगों का एक भृगु नंदी नाड़ी का कोर्स स्टार्ट हो रहा है। ये आपका बेसिक से एडवांस तक होता हुआ जाएगा ये कोर्स आपका, जिसमें आपकी कुछ रेमेडी आएंगी। और दोस्तों, हमें जो रेमेडी करनी चाहिए वो आपको अपने साइन के अनुसार करनी चाहिए कि आपके कौन से साइन में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। आप लोग क्या करते हैं दोस्तों, स्टोन पहनाते हैं और लोग बोलते हैं रिजल्ट नहीं आया है। सबसे पहले ये देखिए, जो आप स्टोन पहनाने के लिए जा रहे हैं, क्या वो साइन के मुताबिक सही है? सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ देखनी है। और दोस्तों, आपको अगर जन्म वक्त के चार्ट की रेमेडी करनी है तो सबसे पहले चार्ट पर ये देखिए कौन सा प्लैनेट है और वो किस साइन में बैठा हुआ है। तो दोस्तों, इसमें हम लोग जो यूज़ करेंगे रेमेडी में हम लोग यूज़ करेंगे आपके साइंस का। जैसे 159 नंबर का साइन होता है आपका फायरी साइन, फायर एलिमेंट से संबंधित है आपका। 3711 ये आपका एयरी एलिमेंट है, तो ये एयर से संबंधित हो गया आपका। 2610 आपका अर्थी एलिमेंट है, तो ये इससे संबंधित हो गया। 4812 आपका वाटर एलिमेंट है। तो जो ये रेमेडी होंगी, इन चीज़ों को पकड़कर हम लोगों की रेमेडी होगी, ठीक है ना दोस्तों। और जो हम लोगों का होगा, इसमें हम लोगों का ईयरली प्रिडिक्शन आएगी, आपकी मंथली प्रिडिक्शन आएगी, आपकी डे वाइज प्रिडिक्शन आएगी, प्लस इसमें आपको एक वर्षफल बनाकर सिखाया जाएगा। वर्षफल के मुताबिक कौन सा प्लैनेट आपको दिक्कत देगा, उसके हिसाब से रेमेडी होगी। वर्षफल के हिसाब से कौन सा प्लैनेट ऐसा है जिस दिशा में आप यात्रा ना करें और आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। और दोस्तों, कौन सी रेमेडी ऐसी की जाए कि जो आपकी इसके अंदर दिक्कत देने के लिए आ रही है। एग्जांपल, हम लोग जो मेन रेमेडी पर फोकस करेंगे वो हम फोकस करेंगे आपके मंगल पर, शनि पर, राहु पर और केतु पर। फिर भी उसके अलावा कोई प्लैनेट ऐसा दिखता है कि जो रेमेडी करने के लिए आया है, तो उसकी हम लोग रेमेडी करेंगे। दोस्तों, जो हमारी रेमेडी होगी वो वर्षफल के अनुसार होगी। वर्षफल के अनुसार इसलिए होगी क्योंकि ईयरली आपका इसमें चार्ट बनेगा और उसको ध्यान में रखते हुए आपकी रेमेडी होगी। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, किसी का अगर मैंने देखा कि मरकरी 6th, 8th, 12th में आ गया है, ठीक है, 6th, 8th, 12th में आ गया है, तो अब मुझे अगर उसको रेमेडी करवानी है तो रेमेडी मैं करवाऊंगी, मैं क्या बोलूंगी, यहाँ पर सामने वाले के बिजनेस में दिक्कत आ सकती है। तो इसके लिए बिजनेस का कारक आपका मरकरी हुआ, मरकरी से रिलेटेड जानवर हुआ आपका, यहाँ पर जानवर मीन्स पक्षी हुआ मरकरी से रिलेटेड आपका, इधर तोता, पैरेट। तो पैरेट को उड़ाना है या घर में पालना है, ये आपको कोर्स के बीच में पता चलेगा। और कौन सी रेमेडी है जिसके लिए हम लोग दिया वगैरह जलाएंगे, कौन सी रेमेडी ऐसी है जिसका हम दान करेंगे, कौन सी रेमेडी ऐसी है जिसका हम स्टोन पहनेंगे, दोस्तों इसके अंदर हमारी ये सब चीज़ें आएंगी। और दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और कल से हम लोगों का लाल किताब और एस्ट्रो वास्तु का कोर्स स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, और 1 जुलाई से आपका BNN का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, और 15 जुलाई से आपका KP एस्ट्रोलॉजी का कोर्स स्टार्ट हो रहा है। आप लोग अगर इंटरेस्टेड है कोर्स करने के लिए तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।